अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम करता हूँ आप सबको मैथ विज्ञान चैनल पर। डियर स्टूडेंट, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आपके लिए ये मैं अपने चैनल मैथ विज्ञान का प्रीव्यू दिखा रहा हूँ। इस पर आपको हर क्लास की मैथमेटिक्स मिलेगी। आप 9th क्लास में हैं या 10th में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, फोर्थ ईयर में हैं, जिस क्लास में भी हैं, आपको यहाँ पे ऑल मैथमेटिक्स की, स्टैटिस्टिक्स की और अनक्रीब इंग्लिश की वीडियोज़ और दूसरे सब्जेक्ट की वीडियोज़ भी मिलेंगी। ये है डियर स्टूडेंट प्लेलिस्ट। आपने प्लेलिस्ट को प्रेस करना है और अपनी मर्जी का यहाँ पे प्लेलिस्ट ढूंढना है। जैसे ये देखें, ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7, ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 और ये बीएससी का और ये सेकंड ईयर का, ये फर्स्ट ईयर का, यहाँ पे सारी आपको यहाँ पे मैथ मिलेगी। और 9th क्लास साथ ही 10th क्लास के लेक्चर्स हैं, 9th 10th, ये थ्योरम्स ऑल वीडियोज आपको यहाँ पे मौजूद मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट, आपने करना क्या है, आपने इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है और साथ ही बेल का आइकन प्रेस करना है ताकि आप जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उर्दू 9th क्लास का गैस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। उससे पहले आप मेरी दो तीन बातें गौर से सुनिए। अगर आपने उर्दू के पेपर में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आपको जो नज़में हैं, गज़लें हैं, उनके जो मुसन्नफ़ हैं, राइटर हैं, उनके नाम आने चाहिए, क्योंकि ये वो वाले नंबर होते हैं जिनमें आपके नंबर कट ही नहीं सकते, इसके परफेक्ट मार्क्स मिलते हैं। फर्ज करें अगर आपको किसी गज़ल का मुसन्नफ़ का नाम पूछ लिया है या किसी सबक के मुसन्नफ़ का नाम या शेर के शायर का नाम पूछ लिया है, तो आपने अगर एग्जैक्टली लिख दिया तो वो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। इन चीज़ों पर आपने लाजमी गौर करना है। नंबर दो, आप लोगों ने अपनी राइटिंग का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि उर्दू में आपकी राइटिंग के बहुत अच्छे, यानी कि इसके अच्छे मार्क्स होते हैं। अच्छी राइटिंग होगी, मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छे आपको मिलेंगे, ठीक है। मार्कर को यूज़ करना है, ये है कुछ टिप्स पेपर से पहले। तो चलते हैं 9th क्लास के गैस की तरफ। तशरी और खुलासे जो आपके होंगे ना, तशरी और खुलासे, उनके लिए जो हमें इंपॉर्टेंट लगे हैं वो है यूनिट चैप्टर नंबर, जो आपका सबक नंबर है 2, 5, 9, 10 और 11, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इन चैप्टर को, इसमें से तशरीह और आपका खुलासा आएगा पेपर में, आपने अच्छे तरीके से इनको करना है। लेटर की बात करें, जो खत होता है वो पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवा, नौवा और चौदहवा, ये आपके तरतीब में खत लिखे हुए हैं, इनको आपने अच्छे तरह से कर लेना है। उसके बाद हम एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन जो है दरख्वास्त है वो फॉर सर्टिफिकेट, बीमारी की और पोस्टमैन की शिकायत की, यानी कि सर्टिफिकेट की दरख्वास्त, बीमारी की और डाकिये की शिकायत की दरख्वास्त। उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास है ये स्टोरी यानी कि कहानी, दूसरी, तीसरी, पांचवी, सातवीं, नौवीं, दसवीं, इनको आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं डायलॉग, मुकालमा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, डायलॉग जिसे हम मुकालमा कहते हैं, दर्जी और गाहक के दरमियान मुकालमा होगा, ये आ सकता है, ये वो है जो आने के चांसेस हैं। और उसके बाद डॉक्टर और मरीज के दरमियान मुकालमा होगा पढ़ाई के मौजू पर, ठीक है, इसको आपने अच्छी तरीके से कर लेना है। और उम्मीद तो बड़ी है कि इसमें से आपका इंशाल्लाह आएगा पेपर में ना, तो आपने कोशिश करना है इनको अच्छे तरीके से कर लेना है। तो हमारी तरफ से विश यू बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स। हमारा और आपका ताल्लुक रहेगा, क्योंकि मैथ वीबीएन पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो मैथ है, और इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस होंगे। ये तो एग्जाम के दिनों में हम आपको गैस दे रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखना आपको पूरा कोर्स यहाँ पे सॉल्व मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और विश यू बेस्ट ऑफ लक अगेन।